इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अश्विन भाई जैन, वीना बहन जैन, अंकित जैन, हेमल जैन, अरहम जैन, प्रोफेसर्स आशा स्पोर्ट्स एंड आशा एग्रो परिवार, दाहोद, गुजरात। उत्तर प्रदेश में स्थित इटावा नगरी संतों की धरती है। वर्षों पूर्व इस नगरी में आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जैसा एक संत जैन समाज को प्राप्त हुआ था, जो महज 21 वर्ष की युवावस्था में वैरागी बन गए थे और जैन धर्म की प्रभावना चारों ओर कर रहे हैं। कौन जानता था कि इतिहास पुनः दोहराया जाएगा। 2011 में जब आचार्य श्री इटावा पधारे थे तो एक छोटे से बालक पर उनके निष्प्रह जीवन की अमिट छाप पड़ गई और बालक मनीष ने भी मन ही मन दीक्षा धारण करने का निश्चय कर लिया था। परंतु 10 वर्ष बीत गए। वर्ष 2021 में पुनः आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज संघ सहित इटावा पधारे। शुद्ध पंचमी के पावन अवसर पर युवा मनीष ने दीक्षा का निवेदन कर दिया। खराब हो चुके हैं मनस भी, अब नहीं करना। बहुत सुंदर। 2011 में 11 बच्चों में इसने भी एक भाव रखे थे, और भी भाव रखे थे, लेकिन अब वो भाव पता नहीं भाव भाव ही रह गए हैं। चलेंगे जी, आप जैसा बनना है, हमारे जैसे बनना है, नंगे बाबा होना है। अच्छा, बहुत सुंदर बात है, और इनकी भावना है कि हमें मुनि दीक्षा लेकर हमें अपना कल्याण करना है। ये देखकर समाज स्तब्ध रह गया। मनीष भैया की भावनाओं के अनुरूप 15 जून को शुद्ध पंचमी के दिन समस्त समाज के बीच रंगीन कपड़ों का त्याग करा दिया और ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। सफेद कपड़े धारण किए मनीष भैया ऐसे लग रहे थे जैसे जैन धर्म के राजहंस हों। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने समाज को सूचित किया कि 22 जून 2021 को ब्रह्मचारी मनीष भैया दीक्षा लेंगे। पूरा समाज इस महान कार्य को कराने में जुट गया। मनीष भैया आचार्य विराट सागर जी महाराज के पास आज्ञा लेने भिंड पहुंचे, जहां संघ सहित वो विराजमान थे। आचार्य पुष्प दंत सागर जी महाराज, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज, मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज सहित अनेक संतों का आशीर्वाद दीक्षार्थी मनीष भैया को प्राप्त हुआ। परंपरा अनुसार इटावा के समस्त मंदिरों के दर्शन मनीष भैया ने किए। प्रभु का जिनवाणी का आदि, प्रभु का जिनवाणी का सुनो मार्ग निर्वाण रे। आदि प्रभु का जिनवाणी का सुनो मार्ग निर्वाण रे। आओ भव्यो दर्शन कर लो मंगलमय शुद्ध धाम रे। आओ भव्यो दर्शन कर लो मंगलमय शुद्ध धाम रे। आदि प्रभु का जिनवाणी का सुनो मार्ग निर्वाण रे। आदि प्रभु का जिनवाणी का सुनो मार्ग निर्वाण रे। आओ भव्यो दर्शन कर लो मंगलमय शुद्ध धाम रे। आओ भव्यो दर्शन कर लो मंगलमय शुद्ध धाम रे। सज धज कर दीक्षार्थी की बिनोरी जब इटावा नगर में निकली तो इटावा वासियों को ऐसा लगा कि कोई बारात जा रही है, परंतु उन्हें क्या पता था कि ये युवा भोग की ओर नहीं योग की ओर बढ़ रहा है, जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहा है।
विनोली यात्रा लालपुरा जैन मंदिर पहुंचती है और वहां पर गोद भराई कार्यक्रम संपन्न होता है। भरत बाहुबली पुत्र वीर थे, ब्राह्मी सुंदरी पुत्री महान, मोक्ष मार्ग सारा कुल था, रचा विश्व इतिहास प्रधान। मंगल गाथा सुनो आज सब, मंगल गाथा सुनो आज सब, सुनो मुक्ति का गान रे। आओ भव्यो दर्शन कर, आओ भव्यो दर्शन कर लो मंगल में श्रुतिनाथ। जजनन बंधुओं, इस समय हम लोग हैं इटावा की धरती पर। ये धरती संतों की धरती है। इसी धरती पर आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज का जन्म हुआ और देखते ही देखते जिस बीज का रोपण बहुत वर्षों पहले हुआ था वो एक वटवृक्ष बन के आज तैयार हो गया है और उस पर तमाम तरह के फल, संत रूपी फल लगे हैं। मनीष जी, ये युवावस्था है और युवावस्था में आकर्षण तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्या कोई कभी आकर्षण आपका भी रहा है? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जिंदगी में ये क्षण सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन एक बोलते हैं ना, प्यार अंधा होता है, वो अंधापन था जो ख़त्म हो गया। क्योंकि असली प्यार तो उससे होता है जो जन्म जन्म तक साथ निभाए, और जन्म जन्म तक साथ सिर्फ माँ सरस्वती जिनवाणी निभा सकती है, या पार्श्वनाथ बाबा निभा सकते हैं, या गुरुदेव प्रमुख सागर निभा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। लालपुरा में 22 जून 2021 को प्रातः काल से ही जैन मंदिर में लगाए गए पंडाल में भीड़ किसके लगी थी, चारों ओर युवा मनीष की ही चर्चा थी। प्रातः काल ही सर्वप्रथम जब युवा मनीष भैया ने अपने घुंघराले बालों का केश लोच किया तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। जहाँ सबके लिए अखियां प्यासी, वही होता है जीवन में सच्चा सन्यासी। जहाँ सत्य के लिए अखियां प्यासी, सत्य क्या है संसार में? संसार में झूठ को हम सत्य समझते चले जा रहे हैं। ख्याल करके रखना, झूठ को जब तक सत्य समझोगे तब तक तुम संसार में बने रहोगे, और जब सत्य को सत्य समझने लग गए तो संसार से पार होते चले जाओगे। तुम्हारी आंखों में सत्य को पाने की प्यास जागृत हो जाए, सत्य को पाने की प्यास जागृत हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे अंदर से संन्यास घटित होगा। मैं तो अभी केसलोच करते करते सोच रहा था कैसा पुण्य दिया भगवान ने मुझे, कैसा पुण्य दिया भगवान ने मुझे, इस भूमि पर जन्म हुआ और इस भूमि पर जन्म होने के बाद आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज 93 में भेज दिए मेरे उद्धार के। लोच के पश्चात दीक्षा की अन्य क्रियाएं पूर्ण की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए लालपुरा पधारे थे। जन्मों जन्मों के संकट, जन्मों जन्मों के कष्ट समाप्त करने के लिए आज मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहा हूं। मेरे गुरुदेव का मुझ पर बड़ा प्यार है, वात्सल्य है, मेरे गुरुदेव का बड़ा उपकार है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज उन्होंने मुझे दीक्षा के लिए स्वीकार किया है। आचार्य श्री ने जब घर छोड़ा उसी वक्त मेरा इस धरती पर अवतरण हुआ था, और जब मैंने घर छोड़ा तब मुझे जन्म लिए, तब मेरा जन्म हुआ था 1994 में आचार्य भगवान ने घर छोड़ा है, और 1994 जनवरी 16 जनवरी को मेरा अवतरण इस धरती पर हुआ था।
अवतरण इस धरती पर हुआ था आचार्य श्री जब दीक्षा के लिए वर्ष 2000 दिल्ली में जब उनकी मुनि दीक्षा हुई तो मैं बहुत छोटा था। मेरे पापा जी मुझे लेकर के गए थे और गुरु जी को गोद में उठा रहे थे। उस वक्त मैं छोटा था, मेरे अंदर एक भावना हुई कि भगवान मेरा ये दिन कब आएगा कि मुझे भी कोई गोद में उठाए और मैं भी जैनेश्वरी दीक्षा ले सकूं। प्रक्रिया ये है, दीक्षा की दूसरी घड़ी में इन्हें पास किया है, लेकिन आप लोगों की क्या इच्छा है? दीक्षा दे दूं? किन किन की इच्छा है मैं इनको दीक्षा दूं? हाथ ऊपर करिएगा। कभी सबकी बात, मेरे शरीर की माँ बोलने लगी, मेरी भी शादी इसी पंडाल में हुई थी। विचार करना, इनकी दीक्षा के लिए एक बार इनके माता पिता से पूछना चाहूंगा। महाराज जी, हमारा तो 55 बीत गया, हमने अभी तक सोने से कभी जागने की इच्छा नहीं की, और जिसने अपनी होश में जोश लगा दिया वो धन्य जीव है। आचार्य श्री, हमें तो बस यही भावना है कि हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रस्त हो, यही आपका आशीर्वाद है, आप इनको दीक्षित कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहन ने स्वयं स्वीकृति दे दी। अब आप श्री चरणों में जा रहे हैं तो क्या चिंता, चले माता दे सकते हैं आप, दीक्षा दे सकता हूँ। सब माता जी अनुमोदना कर रहे हैं, चलेंगे। मैं अब समाज से पूछना चाहता हूँ कि ये क्षण के लिए लोग प्रयास ऊपर से तो करते हैं लेकिन अंदरूनी भावना नहीं होती उनकी, जबकि मनीष भाई की अंदरूनी भावना, ये बाहर जो दुकान भी है इनकी, उस बच्चे से बात करते थे तो मान गए हमें तो किसी चीज से लगाव है ही नहीं। हमें खुशी है कि आज वो उस पर बढ़ रहे हैं और हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि हमारे इटावा का नाम रोशन हो। गोबर शतरंज की चालों का खौफ उन्हें होता है जो सियासत करते हैं। हम तो गुरुवार आचार्य श्री प्रमुख सागर के भक्त हैं, ना हार की फिक्र करते हैं और ना ही जीत का जिक्र किएगा। गुरुवार सड़क कितनी भी साफ, सड़क कितनी भी साफ हो, धूल हो धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। गुरुवार भूल तो हो ही जाती है। देखिएगा जिनको भी हाथ करना है वो तीन बार हाथ बढ़ाएंगे, दे दूं, दे दूं, दे दूं। हाँ महाराज दे दो, अपना बेटा हो तो उस पर फिक्र नहीं करें, पढ़ाए पड़ोसी का है ना, दे दो। देखो हमको भी इसी मार्ग पे बढ़ना है और हम तीन कुटुंबधारी हैं और अभी अभी मैंने जूता चप्पल का भी क्या कर दिया, रंगीन कपड़ों का भी क्या कर दिया। अब आज हम फिर नारियल चढ़ा रहे हैं, महाराज की दीक्षा जयंती को प्रथम केसलोच करेंगे। कि आओ प्रभु महावीर अब मेरे नैनों में और मेरे मार्ग को प्रशस्त कर दीजिए। भक्त तो हूँ छोटा किंतु भावना नहीं है छोटी, मेरा अंधकार अज्ञान हर लीजिए। बस धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब दीक्षार्थी ने अपना कदम दीक्षा की ओर बढ़ाया। एक एक कर समस्त वस्त्रों का त्याग दीक्षार्थी ने कर दिया, मात्र एक वस्त्र लगोटी के रूप में उनके तन पर रह गया। सभी ने जय जयकार की और इस प्रकार मनीष भैया को आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने छुल्लक दीक्षा इटावा की धरती पर प्रदान की।
दीक्षा, जहां तक मैं समझ रही हूं महाराज जी, किसी के अवगुणों को समाप्त करके सद्गुणों की तरफ उसको दीक्षांत करा देना ही मुझे लगता है कि दीक्षा है। लेकिन महाराज जी ने अभी आदेश दिया था इस पर छाया करवाने का, छत करवाने का। महाराज जी सिस्टम ऐसा है कि विधायक निधि से किसी भी मंदिर और धर्मशाला को सहयोग नहीं देने का प्रावधान, लेकिन फिर भी जैन समाज के सारे लोगों के साथ में ये कहती हूँ कि सबसे बड़ा जो अमाउंट हो वो हमारे खाते में लिखकर हमसे ले जाना, और सब लोग सहयोग करेंगे मिलकर, हम भी और लोगों से सहयोग करेंगे, और इस पर अगर कुछ लेंटर और छाया हो जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। पेंटिंग बना के लाए हमारे सुधीर धीरज भाई, और विमोचन हमारी सरता बहन कर रही है जोरदार तालियों से। ये मेरे बचपन की नहीं जवानी की फोटो, बोलूं क्या? सस्पेंस में, क्योंकि वो नाम एक अटूट नाम होगा, ऐसा नाम जो लोग सदियों सदियों तक याद रहेंगे। कल तक, अभी तक इनको भैया जी मनीष भैया ये वो नाम बोलते थे, लेकिन अब वो नाम हमेशा हमेशा के लिए इनका रहेगा। छुल्लक श्री 105 त्रिगुण सागर जी महाराज की, त्रिगुण सागर जी महाराज की, त्रिगुण सागर जी महाराज की। इस प्रकार एक साधक पर चला साधना के पथ पर, जहाँ से मोक्ष का पथ साफ दिखाई पड़ता है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अश्विन भाई जैन, वीना बहन जैन, अंकित जैन, हेमल जैन, अरहम जैन, आशा स्पोर्ट्स एंड आशा एग्रो परिवार, दाहोद, गुजरात।